चक्कर आ गए इसलिए क्योंकि हमने मैं जब खाना खा रहा था और इसे चिढ़ा रहा था तब इसे बड़ा गुस्सा आया और इसने क्या किया, मेरे हाथ में प्लेट थी और नीचे उसने स्केटबोर्ड तो फेंका और मैं उस पर, मेरा पैर उस पर आ गया और मैं फिसल के गिर गया, तो सब खाना गिर गया। और दूसरी बात ये है कि वैसे तो भले ही मैं थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ क्योंकि ये इस शो में जो मेरी मॉम कहती है हम वही करते हैं, तो मेरी मॉम थोड़ी सी नेगेटिव है और वो जो कहती है हम उनका उनका बहुत मानते हैं। मैं तो हूँ ही ड्रामेबाज। एक्चुअली मेरे और मेरी मम्मी ने प्लान बनाया था ताकि मुझे खाना भी मिले और पानी भी मिले। हाँ, मैं सच में वही कंटिन्यू कर रहा था क्योंकि मैं इसलिए गिरा कि मुझे इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है और मैं ये सब देख नहीं पाया। मैं 17 साल का एक थोड़ा बच्चा बताया हूँ जो है कि उसे ऐसा लगता है कि वो बड़ा हो गया बट एक्चुअली वो बहुत छोटा है और वो ये सब चीज़ देख नहीं पाया। और स्पेशली उसे जिसे वो थोड़ा थोड़ा अंदर से लाइक करता है, इन द सेंस खराब सेंस में नहीं, मतलब उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो देख के मैं डर गया और बेहोश हो गया। मम्मी के आदेश के सामने कुछ नहीं कर पाया। अम्मा माई की चलती है, अम्मा माई की चलती है, मजा मस्ती। हम जब हम आते हैं तो पहले एक दूसरे के रूम में जाते हैं, हाय हेलो करते हैं और ब्रेक टाइम में भी हम साथ में खाना खाते हैं। रूम भले ही हमारे अलग अलग है पर हम बैठते हैं एक दूसरे के रूम में ही, साथ में ही करते हैं और फिर बूमरैंग बनाते हैं, फोटोज खींचते हैं काफी सारी यहीं पे, और स्नैपचैट भी बनाते हैं, स्पेशली डॉगी वाला फीचर। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये 9 साल की है पर टैलेंट में ये बहुत बहुत अच्छा काम करती है और सीरियसली बहुत टैलेंटेड है। मैं इसका फैन हूँ उसके रोने का, क्योंकि वो ऑन स्क्रीन बहुत ही प्यारा रोती है सच में। और मुझे दया आ जाती है कभी कभी, अरे यार मैं किसके साथ ऐसा कर रहा हूँ। आई लव यू और थपकी प्यार की देखते रहे 6:30 PM। व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ माई फैंस, तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। और देखते रहिए मेरे अब तक के जितने भी शोज को आपने लाइक किया है, आई होप कि आगे स्पेशली थपकी प्यार की। हाँ, थपकी प्यार, और मैं तो पेशवाबाजी, मेरे पेशवाबाजी राव शो को भी लाइक करिए और प्यार करिए और देखना ना भूले। थैंक यू सो मच।